नेताओं के गले में आखिर कौन सी माला? कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में गोल्डन माला की रही सबसे ज्यादा चर्चा। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों और चर्चाओं के बीच एक वस्तु ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। यह वस्तु कुछ और नहीं बल्कि वह माला है जिससे सीएम भूपेश बघेल ने नेताओं का स्वागत किया। गोल्डन कलर की यह माला क्या सोने की है या किसी अन्य धातु की? आपको बता दें कि इस माला को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सोने की माला है, कुछ लोग तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि 50 ग्राम सोने की माला पहनाई गई है। ऐसी चर्चा सिर्फ बाहर के लोगों में ही नहीं बल्कि अधिवेशन स्थल पर मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच भी बनी रही। कुछ इसे गोबर से बनी हुई माला बता रहे थे तो कुछ घास की माला बता रहे हैं। एनपीजी न्यूज ने सोशल मीडिया पर लोगों की उत्सुकता को देखते हुए जानकारी जुटाई। तब पता चला कि यह बांस से बनी माला है, जो बस्तर क्षेत्र से खास तौर पर यह माला मंगाई गई थी। इसे पहनाते हुए सीएम भूपेश बघेल बकायदा नेताओं के कान में बता रहे थे कि यह बांस की माला है और बस्तर आर्ट का हिस्सा है। यह जानकर राष्ट्रीय नेताओं में प्रसन्नता और जिज्ञासा दोनों के भाव दिखाई दिए। बता दें कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी जब रायपुर पहुंचे तब एयरपोर्ट पर सीएम ने बांस की माला से स्वागत किया। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राजकीय गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया। बाकी नेताओं ने कांग्रेस की परंपरा अनुरूप सूत की माला पहनाई। इसके बाद महाधिवेशन से पहले सीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, पी चिदम्बरम, मीरा कुमार, पीएल पुनिया, दिग्विजय सिंह, पवन बंसल, शक्ति सिंह गोहिल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद सहित तमाम बड़े नेताओं का इस माला से स्वागत किया था। एनपीजी का डिजिटल चैनल लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।